शनिवार को भारत रत्न शहीद स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती मनाते हुए डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के टोला गांव में रक्तदान शिविर एवं महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं राजनंद गांव प्रभारी अरुण सिंह सिसोदिया शामिल हुए। भारत रत्न स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की जयंती पर हुए बृहद आयोजन में महिलाओं के सम्मान को सर्वोपरि मानते हुए महिला समूह, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन बहनों, खिलाड़ियों एवं रक्तदाताओं का प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर आयोजक ब्लॉक अध्यक्ष कोमल साहू विशिष्ट अतिथि के रूप में, जिलाधीश जगदीश सोनकर, पत्रकार संघ के अध्यक्ष हसमत भाई, प्रशासनिक अधिकारी, पंच सरपंच, कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी एवं हजारों ग्रामीणों ने हिस्सा लिया और स्वर्गीय इंदिरा जी के सशक्त कुशल नेतृत्व से प्रेरणा लेते हुए दृढ़ संकल्प जाहिर किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं राजनांदगांव प्रभारी अरुण सिंह सिसोदिया ने अपने उद्बोधन में कहा कि घर की माताएं बहनें एक महिला के साथ साथ एक शिल्पकार और एक कुम्हार की भूमिका में रहती हैं, जो कि बच्चों को कच्ची उम्र से ही सही आकार, सही विचार और सही संस्कार देकर उन्हें पकाती हैं और वह बच्चे ही समाज का, देश का भविष्य बनकर अपने समाज में और राष्ट्र में महत्वपूर्ण योगदान का निर्वहन करते हैं। साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार की तारीफ करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व को कुशल नेतृत्व बताते हुए उनके द्वारा हर आयु वर्ग के लिए शुरू की गई योजनाओं से पूरे प्रदेशवासियों को लाभान्वित होने की बातें कहीं और आने वाले समय में 2023 के विधानसभा चुनाव में एक बार पुनः प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा भी किया। देखिए, आज इंदिरा गांधी जी की जयंती के अवसर पर डोंगरगढ़ विधानसभा में टोला गांव में एक भव्य आयोजन हुआ, जिसमें कि नारी शक्ति को नमन करते हुए, इंदिरा जी की शहादत को स्मरण करते हुए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया डोंगरगढ़ के विधायक भुवनेश्वर बघेल जी द्वारा और वहां के ब्लॉक अध्यक्ष कोमल साहू के सौजन्य से। वहां पे कोशिश ये थी कि महिलाएं जो आज समाज में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं, भूपेश बघेल जी की सरकार में महिलाओं का सम्मान बढ़ा है, साथ ही साथ उनकी आय भी बढ़ी है, उनकी मेहनत को, उनके लगन को, उनकी निष्ठा को, उनकी कर्मठता को सलाम करते हुए उन महिलाओं का सम्मान किया गया और साथ ही साथ रक्तदान करते हुए इंदिरा जी की शहादत को नमन करते हुए रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें कि लगभग 50 लोगों के द्वारा रक्तदान किया गया और एक कोशिश थी कि हमारे नेताओं के द्वारा, हमारे जो आज़ादी के सिपाहियों द्वारा जो अपना लहू बहाकर आज़ादी दिलाई गई और उसको बचाने के लिए, उसे शक्ति प्रदान करने के लिए जो शहादत दी, वैसे ही हम थोड़ा सा खून समाज के जरूरतमंदों की जान बचाने के लिए दे सके, एक प्रयास था, अनुकरणीय प्रयास था। पूरी टीम को हृदय से बधाई भी है, शुभकामनाएं भी हैं और इंदिरा जी, राजीव जी, साथ ही साथ महात्मा गांधी जी, नेहरू जी, सरदार पटेल जी, लाल बहादुर शास्त्री जी और हमारे शहीद भगत सिंह जी और सुभाष चंद्र बोस जी जैसे भाव पैदा हों, इसकी सबको मैं अपील भी करूंगा कि एक देशभक्ति का जज्बा कायम रखें और जय जवान जय किसान की आवाज़ को बुलंद करें। डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आयोजित हुए भारत रत्न स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती के कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं एवं जन समुदाय ने छत्तीसगढ़ की वर्तमान सरकार को पुनः 2023 में छत्तीसगढ़ का नेतृत्व कराने संकल्प लिया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।